दोस्तों चावल और गेहूं के किसान हैं, वो जितनी कमाई अपनी फसल से करते हैं उससे दोगुनी कमाई वो कर सकते हैं चावल की पराली से और गेहूं के भूसे से। इसके लिए किसानों को सिर्फ एग्रीप्रेन्योर बनना होगा। केरल का एक स्टार्टअप है तुषान। तुषान ने चावल की पराली और गेहूं के भूसे और चोकर से कप, प्लेट और चम्मच जैसे आइटम बनाए हैं और सालाना लाखों रुपए कमाने का एक मॉडल पेश किया है। और तुषान की जो आइटम है ये बायोडिग्रेडेबल है और ये बड़ी तेजी से जो हमारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स है बाजार में उनकी जगह ले रहे हैं। तो यानी कि ये मॉडल है, ये बड़ा कामयाब मॉडल है। ये जो तुषान का मॉडल है जो चावल की पराली और गेहूं के भूसे से कटलरी आइटम और टेबल वेयर आइटम बनाने का ये बड़ा ही जबरदस्त मॉडल है। और दोस्तों इस मॉडल की कामयाबी ने किसानों को एक नई राह दिखाई है आर्थिक तरक्की की। किसान भी गेहूं के भूसे और चावल की पराली से डिस्पोजेबल आइटम बनाकर बड़ा पैसा कमा सकते हैं हर साल। हमें पानी पीना है प्लास्टिक की बोतल, हमें खाना खाना है तो प्लास्टिक की प्लेट और चम्मच भी प्लास्टिक का, यानी कि हमारे हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। और इसी कारण भारत में हर साल 36 लाख टन डिस्पोजेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और इसमें से सिर्फ 50% प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको रिसाइकिल किया जाता है और बाकी का जो 50% प्लास्टिक है वो इधर उधर बिखरा रहता है हमारे खेतों में, हमारी नदियों में, नालों में, पहाड़ों में बिखरा रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। दोस्तों अगर आप सालाना भारत में जितना डिस्पोजेबल प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसकी मार्केट वैल्यू जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 10,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर। और दोस्तों भारतीय मुद्रा में ये पैसा बनता है 80 लाख रुपए। दोस्तों इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बाजार है डिस्पोजेबल प्लास्टिक का भारत में। फिलहाल जो इसमें हिस्सेदारी है वो है बिजनेस करने वाले लोगों की, लेकिन इतने बड़े बाजार में किसानों की हिस्सेदारी हो सकती है। इसके लिए किसानों को एग्रीप्रेन्योर बनना होगा, उनको अपने चावल की पराली और गेहूं के भूसे से ये जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल आइटम बनते हैं इनका विकल्प है वो किसानों को देना होगा और किसान भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस के जरिए। तो अब सवाल दोस्तों ये आता है कि किसान ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ये बिजनेस कैसे शुरू होगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसानों को क्या करना होगा, इसमें कितना पैसा लगेगा और ये जो आइटम किसान बनाएंगे ये बिकेंगे कैसे और कितना पैसा मिलेगा और इसके लिए क्या कुछ उनको करना होगा, ये तमाम चीजें आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और एक चीज आपको और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है, वो वीडियो देखने के बाद करना है। जब वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में और आप जब फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा ये भी इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे। दोस्तों हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लास्टिक है ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसका इस्तेमाल फिर भी धड़ल्ले से हर साल होता है, हर रोज होता है। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक का कोई ऐसा सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला कोई विकल्प नहीं मिला है, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों और विदेशों के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया है, ऐसी खोज की है जिससे चावल की पराली, गेहूं के भूसे और चोकर से जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल आइटम बनते हैं ठीक वैसे ही आइटम आप चावल की पराली, गेहूं के भूसे और चोकर से बना सकते हैं और ये जो आइटम है इनको बनाना बहुत आसान है। और भारत में दोस्तों बड़े पैमाने पर चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है और भारत में हर साल जो चावल की पराली है 140 मिलियन टन चावल की पराली का उत्पादन होता है भारत में, यानी कि 1400 टन चावल की पराली का उत्पादन भारत में हर साल होता है और इसका लगभग 80% जो हिस्सा है वो किसान जला देते हैं क्योंकि किसानों के पास अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस पराली का वो बेहतर उपयोग कर सकें, इससे पैसे कमा सकें। अभी तक किसानों को लगता है कि जो चावल की पराली है उसको निपटाना खर्चे भरा काम है, खर्चीला काम है, लेकिन अब जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो आइटम अगर आप बनाएंगे चावल की पराली से, जैसे कि कटलरी आइटम है, टेबलवेयर आइटम है, तो आपको चावल की पराली है वो बोझ नहीं लगेगी बल्कि आपके लिए असेट बन जाएगी और आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों गेहूं की बात करें तो भारत में हर साल
17 मिलियन टन यानी कि 170 लाख टन है वो गेहूं का भूसा है उसका उत्पादन होता है। और दोस्तों इसमें से लगभग 90 लाख टन है उसका इस्तेमाल पशु चारे के रूप में होता है और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है उसका या तो उसको वेस्टेज के तौर पे बिखेर दिया जाता है खेतों में या फिर उसको जला दिया जाता है। क्योंकि जब किसान गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं कंबाइन के जरिए उसके बाद जो गेहूं के तिनके या जो उसका अवशेष बचता है उसको किसान जला देते हैं बड़े पैमाने पर, तो इससे जो गेहूं का भूसा है वो वेस्ट हो जाता है, उससे किसान को कोई आमदनी नहीं होती है। लेकिन किसान अगर एग्रीप्रेन्योर बनते हैं एक नई शुरुआत करते हैं और गेहूं के भूसे और चावल की पराली से या अलग अलग मतलब गेहूं के भूसे से अगर वो कप प्लेट जैसा आइटम बनाते हैं डिस्पोजेबल आइटम बनाते हैं तो उनकी कमाई है वो गेहूं से जितनी कमाई एक एकड़ में उनको होती है उससे लगभग दोगुनी कमाई उनको ये डिस्पोजेबल आइटम बनाकर हो सकती है। दोस्तों पराली और गेहूं के भूसे से जो बायोडिग्रेडेबल हम कटलरी आइटम है डिस्पोजेबल आइटम है या टेबलवेयर आइटम है वो बनाने की बात करें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से हर कोई बना सकता है। इसके लिए चार महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं, चार तरीका है। और दोस्तों पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको व्हीट स्ट्रॉ और जो पराली के तिनके हैं उनको काटा जाता है यानी कि थ्रेशर की मदद से मशीन की मदद से छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। आप उसको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के साइज में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ये हुआ पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है इसके बाद इसकी धुलाई की जाती है यानी कि जो मिट्टी या गर्द है जो आपका व्हीट स्ट्रो है चाहे चावल की पराली है उसमें से मिट्टी और गर्द है वो निकल जाती है धुलाई करने के बाद। और तीसरा स्टेप ये है कि जो आपका धुलाई के बाद जो व्हीट स्ट्रो या चावल की पराली का जो हिस्सा बचता है जो आपके पास है उसको आप भिगो दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए सड़ जाए। और जब वो 2-3 दिन या 4 दिन में जब भी पूरी तरह से गल जाएगा उसके बाद चौथा स्टेप आपको ये करना है कि एक मशीन आती है उससे हॉट कंप्रेसिंग के जरिए यानी कि गर्म जो मशीन है उसमें सांचा बना होता है उसमें आप ये पेस्ट डालेंगे उसके बाद जो हॉट कंप्रेसिंग होती है यानी कि गर्म मशीन होती है मशीन का जो गर्म हिस्सा वो उसमें लगता है इसके बाद वो कप प्लेट तैयार हो जाती है। यानी कि बड़ा आसान तरीका है, आपको सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में वीट के जो चावल की पराली है उसको काटना है, आपका भूसा है वो तो पहले ही छोटा होता है उसकी मदद से आप बड़ी आसानी से कप प्लेट बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई बना सकता है और बड़ा आसान है ये। दोस्तों जब आपने चावल की पराली और गेहूं के भूसे के कप प्लेट चम्मच जैसे आइटम बना लिए तो सवाल आता है कि आप इसका करेंगे क्या, कहाँ बेचेंगे? तो दोस्तों इसको भी ठीक उसी तरह से आप बाजार में बेच सकते हैं जैसे कि हम डिस्पोजेबल आइटम बिकते हैं यानी कि जो आपकी डिस्पोजेबल जो आइटम्स की दुकान है उन पर जाकर इसको बेच सकते हैं। और आप चाहें तो शादी विवाह जिनके होती है उनसे संपर्क करके उनको बेच सकते हैं। फिलहाल भारत में जो बायोडिग्रेडेबल आइटम बनते हैं जो पराली से और गेहूं के जो भूसे से बनते हैं इनकी कीमत है जो प्लास्टिक का डिस्पोजेबल आइटम आता है उससे उसकी कीमत है लगभग 50% ज़्यादा है। यानी कि प्लास्टिक का कोई आइटम है डिस्पोजेबल आइटम 10 रुपये का है तो ये जो गेहूं की भूसे या चावल के पराली से बनने वाला बायोडिग्रेडेबल आइटम है इसकी कीमत 15 रुपये होगी तो 1.5 गुना कीमत है। लेकिन जैसे जैसे भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा इसकी कीमत बराबर हो जाएगी प्लास्टिक की तो लोग इसको बराबर से खरीदना पसंद करेंगे। और ये इसलिए खरीदेंगे लोग क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब शादी विवाह हो जाता है उसके बाद बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का एक बड़ा सा कचरा बिखर जाता है, वहाँ पर ढेर लग जाता है, उसको कहाँ पर फेंका जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। दोस्तों जब लोग बायोडिग्रेडेबल आइटम का इस्तेमाल करेंगे तो उनके सामने ये सवाल नहीं आएगा। दोस्तों ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है इनको इंसान खाने के साथ खुद भी खा सकता है, जैसे कि हम आइसक्रीम खाते हैं उसके बाद हम कोन खा लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं खाना चाहते तो जैसे आपके शादी विवाह कोई इवेंट है उसके बाद जो आपके बड़े पैमाने पर आपके पास अगर मान लीजिए आपके चम्मच प्लेट और ये बचते हैं जो चावल की पराली और गेहूं के भूसे से बनते हैं इसको आप गौशालाओं को डोनेट कर सकते हैं। गायें बड़ी आसानी से इनको खाएंगी, बड़े चाव से खाएंगी, उनको फीड मिलेगा, खाना मिलेगा और आपको पुण्य। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, अगर आप किसान हैं तो आप इनका इस्तेमाल खेतों में कर सकते हैं यानी कि आप खेत में इनको बिखेर सकते हैं। और दोस्तों जब ये प्रोडक्ट है जो आइटम्स है जब आपके खेत में गलेंगे तो खाद के तौर पर आपके खेत को उपजाऊ बनाएंगे। यानी कि इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, खुद इनको खा सकते हैं गौशालाओं में या पशुओं को खिला सकते हैं या फिर आप चाहें तो खेत में इनको खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई नुकसान पर्यावरण को नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा। इसलिए ये बाजार है, ये तेजी से बढ़ रहा है और भारत में लगातार जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है उनके बनाने वाले स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है।
दोस्तों ये जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है इनका इस्तेमाल माइक्रोवेव में किया जा सकता है, इसी कारण इनके जो टेबलवेयर बनते हैं, जो टेबल पे रखने वाले आइटम्स है जो हम रोजमर्रा के काम में जो लेते हैं, जैसे कि चम्मच है, प्लेट है, कप है या दूसरे कोई भी आइटम, बाउल्स है, उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसको आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं और इसलिए बड़ा कामयाब है, सक्सेसफुल है। और इसी कारण इनकी भारत नहीं बल्कि अब जो डिमांड है वो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में होने लगी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अब ये बायोडिग्रेडेबल आइटम बनाते हैं और इनको विदेशों में निर्यात करके मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये मोटा पैसा है वो किसान भी कमा सकते हैं, बस इतना करना है कि किसानों को ये बनाना शुरू करना है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि आप जो बनाना सीख गए हैं तो बनाएंगे किससे, वो मशीन कहाँ से लाएंगे और इसमें लागत कितनी आएगी। तो दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ये जो आप बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए आपको एक मशीन की आवश्यकता होगी और ये मशीन आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं और उसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए से शुरू होती है और ये 12 लाख रुपए तक है, यानी कि अगर आप बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं तो आपकी जो बड़ी मशीन है वो 12 से लेकर 20 लाख रुपए की आएगी। अगर आप छोटी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपकी जो ये मशीन है वो 3 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी। और ये मशीन आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं, तो आपको MSME के तहत सब्सिडी मिल सकती है, लोन मिल सकता है। मध्यम एवं लघु जो उद्योग का इंडस्ट्री है उस स्कीम के जरिए आपको सब्सिडी मिल सकती है, लोन मिल सकता है। और आप चाहें तो मुद्रा लोन ले सकते हैं, क्योंकि मुद्रा लोन है वो भी बिजनेस के लिए मिलता है, वो भी आपका 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो KCC, अगर आप किसान हैं तो KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें भी आपको लोन मिल सकता है और आपको ब्याज कम पड़ेगा और आप सब्सिडी भी ले सकते हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनका आप फायदा उठा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। और अगर कई किसान मिल जाएं, जैसे कि अगर 10 किसान या 20 किसान हैं वो मिलकर काम करें तो काम करना आसान हो जाएगा। कुछ किसान इसका प्रोडक्शन करेंगे, कुछ इसको बाजार में बेचने का काम देखेंगे, तो बहुत सारा जो है जब किसान मिलेंगे तो उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। और इसका एक और तरीका है, किसान चाहे तो बड़े पैमाने पर अगर ये काम करना चाहते हैं तो FPO बना सकते हैं। इसके लिए 300 किसान मिलकर FPO बना लें और FPO के तहत आपको बहुत सारी सब्सिडीज मिलेगी, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा और जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसको बाजार में बेचना आसान हो जाएगा, उसको विदेश में भेजना आसान हो जाएगा, यानी कि किसान चाहे तो FPO के जरिए ये काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों किसान जब चावल की पराली और गेहूं के भूसे से बने ये जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है जो रोजमर्रा के हमारे काम आते हैं ये बनाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए उनकी कमाई है, वो जितनी कमाई उनके चावल से होती है, गेहूं से होती है, उससे ज़्यादा कमाई, वो दोगुनी कमाई भूसे और पराली से कर पाएंगे। और दोस्तों भारत में ऐसा हो रहा है, इसके लिए आपको एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। केरल से है ये, केरल का अंगमलाई एरिया है, वहाँ पर एक स्टार्टअप है, तुषान उसका नाम है और ये स्टार्टअप है, इसके ऑनर है, फाउंडर है, वो है बालाकृष्णन। दोस्तों बालाकृष्णन ने CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIIST के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं के भूसे और चोकर से कप, प्लेट, चम्मच जैसा आइटम बनाना शुरू किया है और उनका ये स्टार्टअप ही सालाना लाखों रुपए का बिजनेस कर रहा है। और बालाकृष्णन है दोस्तों पहले विदेशों में नौकरी करते थे, पहले एक कंपनी के CEO थे, लेकिन बाद में वो भारत लौट आए। उन्होंने यहाँ पर इको फ्रेंडली ऐसी कोई चीज़ बनाना चाहते थे जो प्रकृति से जुड़ी हुई, जो इको फ्रेंडली हो, तो उन्होंने तुषान के जरिए ये चावल की पराली, गेहूं के भूसे और चोकर से कप, प्लेट, चम्मच जैसे रोज़ाना जो हमारी कटली आइटम है यूज़ आते हैं वो बनाना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने टेबलवेयर आइटम बनाना शुरू किया। तो आज उनका जो स्टार्टअप है तुषान वो बड़े पैमाने पर अच्छा बिजनेस कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त उसका मॉडल है। दोस्तों जो बालाकृष्णन का स्टार्टअप है तुषान, वो एक स्टार्टअप जब सालाना लाखों रुपए कमा सकता है तो सोचिए भारत में कितने किसान हैं जो चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। दोस्तों भारत के अगर 50% किसान भी चावल की पराली, गेहूं के भूसे से अगर वो कटलरी आइटम या डिस्पोजेबल प्लास्टिक की को रिप्लेस करने वाले बायोडिग्रेडेबल आइटम बनाना शुरू कर देते हैं तो सोचिए भारत की काया पलट हो जाएगी। और जो 36 लाख टन डिस्पोजेबल प्लास्टिक भारत में हर साल खर्च होता है, जो उपयोग होता है, उसको पूरी तरह से रोका जा सकता है, भारत का जो पर्यावरण है वो बचेगा और जो प्लास्टिक के उपयोग से लोगों को सेहत को नुकसान है हो रहा है उससे भी बचा जा सकता है।
तो दोस्तों ये जो बिजनेस है इसको किसान बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप अकेले शुरू करना चाहते हैं तो छोटी मशीन ला सकते हैं, 3 लाख रुपए की मशीन है, उस पर आप लोन सब्सिडी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कौन कौन सी योजनाओं में आप लोन ले सकते हैं, तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसान हैं तो आपको बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हैं तो बिजनेस कैसे करते हैं, आप किसान से एग्रीप्रन्योर कैसे बने, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जब आप सीखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी फ्रीडम ऐप की। फ्रीडम ऐप पर कोर्सेज हैं जो आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, आपको स्टार्टअप करना सिखाएंगे कि आप कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कौन कौन सी छोटी मोटी परमिशन है वो लेनी पड़ेगी, जैसे कि GST नंबर कहाँ से लें, जैसे कि आपको लोकल बॉडीज अगर आपकी कोई है, स्थानीय निकाय है, तो उससे परमिशन कैसे लेते हैं, बाजार में बेचने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन सी टेक्निक अपनानी होगी, अपने प्रोडक्ट की, जैसे आपने कप प्लेट बना लिया, आप तो किसान है, आपको नहीं पता कि कितनी कीमत उसकी तय करनी है, तो ये भी आप सीखेंगे। तो ये प्राइसिंग यानी कि कीमत तय करना सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका प्रॉफिट है वो तय होता है। तो कीमत कैसे तय की जाती है ये आप सीखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको फ्रीडम ऐप पर जाना पड़ेगा। फ्रीडम ऐप पर जो कोर्सेज हैं जो आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, आपको एग्रीप्रन्योर बनाना सिखाएंगे, आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करना सिखाएंगे, और जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसको एक ब्रांड नेम देना है, ब्रांड कैसे बनेगा आपका प्रोडक्ट, उसको बाजार में कैसे बेचा जाना है, ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप के कोर्सेज में। तो दोस्तों आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको देखकर आप एग्रीप्रन्योर बनना सीख सकते हैं, बिजनेस करना सीख सकते हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा होगा फ्रीडम ऐप का आपको, जो आप डाउनलोड करेंगे तो आप किसान से एग्रीप्रन्योर बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि आप जब फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपको फायदा ये होगा कि आप फ्रीडम ऐप के साथ नई टेक्निक सीखेंगे और आप किसान से एग्रीप्रन्योर बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए हमारे दूसरे किसान साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस बिजनेस के बारे में जान सके, सीख सकें, और उनको भी अपनी आर्थिक तरक्की का एक नया रास्ता मिल सके। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।